क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग न सिर्फ खाने में बल्कि अनेकों बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। चलिए आज हम बात करेंगे करौंदे का पौधे के बारे में जिसे आयुर्वेद में बहुत खास माना गया है। करौंदा देखिए हमारे यहाँ संस्कृत में इसको करमर्द कहते हैं, कैरिसा कैरेंडस इसका बोटेनिकल नाम है। करौंदा एक झाड़ूनुमा पौधा जो 6 से 7 फीट तक ऊंचा होता है। इसके पत्तों के आसपास मजबूत कांटे होते हैं और इसके फूलों की खुशबू बेहद मनमोहक होती है। करौंदे के फल गोल छोटे और हरे रंग के होते हैं जो पकाने पर काले हो जाते हैं। इस छोटे से फल में कई बड़े गुण छुपे होते हैं। कच्चे करौंदे से बनी चटनी या अचार न सिर्फ आपको खाने को स्वादिष्ट बनाती है बल्कि ये आपकी पाचन क्रिया को भी सुधारती है। इसके जो कच्चे फल हैं वो अम्ल होते हैं, खट्टे होते हैं, तो इसकी चटनी बनाते हैं और थोड़ा सा पकने से पहले अगर हम उनको तोड़ लेते हैं तो उसका अचार बनाते हैं। और अचार और चटनी दोनों ही ये रुचिकर होते हैं, यानी यदि हम खाएंगे तो जिनको भोजन में रुचि नहीं रहती है वो अगर इसकी चटनी खाएं तो उनको खाने के प्रति रुचि बढ़ती है और पाचन भी होते हैं। पके हुए फलों से बना पानक या शरबत न सिर्फ गर्मी दूर करता है बल्कि शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है। राजधानी स्थित शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सिंह के अनुसार करौंदे में ऐसा गुण होता है जो कई बीमारियों के लिए रामबाण का काम करता है। पके हुए फलों का हम लोग पानक बनाते हैं। पके फल इसके खट्टे और मीठे होते हैं, तो थोड़ा सा उसमें गुड़ या शक्कर डाल करके अगर हम इसका शरबत बना लें और उसका प्रयोग करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तृप्तिकारक होता है, शरीर को तर्पण करता है और गर्मी के जो भी दुष्प्रभाव हैं उनसे बचाता है। तो इसीलिए करौंदे के फल भी जो है गर्मी के मौसम में आते हैं, उनका हम प्रयोग गर्मी में विशेष रूप से करते हैं। इसका नियमित सेवन आपको न केवल स्वस्थ रखता है बल्कि आपकी भोजन के प्रति रुचि को भी बढ़ाता है। तो ये थी करौंदे की जानकारी जो न केवल स्वाद में उत्तम है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी कई लाभ प्रदान करता है। लोकल 18 के लिए रायपुर से रामकुमार नायक की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सिंह के अनुसार है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।